नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ नीलम रत्न को लेकर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। नीलम रत्न यदि सही टाइमिंग के साथ पहना जाए तो धारणकर्ता को किस प्रकार से सपोर्ट करता है, किन राशि एवं लगन वाले जातकों को नीलम पहनना चाहिए, किस देश का नीलम सबसे अच्छा होता है, नीलम रत्न धारण करने की विधि, इसके लाभ और इसकी पहचान के विषय में भी आज आपसे बात होगी। साथियों, मेरा मिथुन लगन है, शनिदेव मेरी जन्म कुंडली में 9th हाउस के स्वामी होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय केवल कठिन परिश्रम से ही हो सकता है। साल 2002 में मैंने नीलम धारण किया था, उसके बाद के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन लगन एवं राशि वाले जातकों को नीलम धारण करना चाहिए ताकि फालतू में आपका टाइम खराब ना हो। नीलम मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि एवं लगन वाले जातक को धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने से पहले आपको योग्य ज्योतिषी की सलाह लेना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि नीलम काफ़ी संवेदनशील रत्नों की श्रेणी में आता है, जो सूट पड़ने पर, अनुकूल पड़ने पर रंक को राजा और अनुकूल ना होने पर राजा को रंक बनाने की क्षमता अपने अंदर रखता है। इस रत्न को एक्सपेरिमेंट के तौर पर कभी नहीं पहनना चाहिए। योग्य ज्योतिषी की सलाह से ही नीलम पहनने का निर्णय आपको लेना चाहिए। मैंने साल 2002 में नीलम रत्न धारण किया था। ज्योतिष का छात्र होने के कारण मुझे इस बात का पहले से ही पता था कि मेरे शनि भाग्य स्थान के स्वामी होकर पराक्रम भाव में हैं। अगर मैं कठिन परिश्रम जीवन में नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाऊंगा। चूँकि शनिदेव अपने घर को देख रहे थे तो वहाँ नीलम का सपोर्ट करना स्वाभाविक था। जिस प्रकार व्यक्ति घोर अंधेरे में टॉर्च लेकर के आगे बढ़ता है, जितना आगे बढ़ता जाता है उतना आगे का रास्ता उसे ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ता चला जाता है, ठीक ऐसे ही अनुभव मेरे साथ हुए। नीलम रत्न धारण करने के उपरांत कैरियर को लेकर कुछ मार्ग अपने आप बनते चले गए। उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर, उसी प्रकार का फ्रेंड सर्किल अपने आप ऑटोमेटिकली घूमता चला गया। साथियों, नीलम से अलग भी चाहे आपका भाग्य रत्न कोई भी रत्न है, पन्ना है, पुखराज है वगैरह वगैरह, चूँकि आज का हमारा एपिसोड स्पेशली नीलम को लेकर के है, आपका भाग्य रत्न यदि सही टाइमिंग के साथ शुद्धता के साथ पहना गया है तो वह आपको लाभी करेगा। अब किन राशि एवं लगन वालों को क्या फायदा देगा, दो मिनट के अंदर इस पर बात कर लेते हैं। मेष लगन से शनि कर्म और इनकम के स्वामी होते हैं, आपकी इनकम को बढ़ाएगा, उच्च पद की प्राप्ति के योग बनाएगा, राजनीति में सफलता के योग बनाएगा। वृषभ लगन से शनिदेव 9th और 10th हाउस के स्वामी होते हैं, आपके लिए महाराजयोग कारक होते हैं शनिदेव, नीलम तो आपको फायदा करेगा ही। मिथुन लगन से, जो कि मेरा लगन भी है, अष्टम और नवम भाव के स्वामी यानी कि राजयोग कारक होते हैं। कन्या लगन से 5वें और 6ठे घर के स्वामी होते हैं, आपके एजुकेशन के लिए आपको नीलम पहनना चाहिए। तुला लगन से भवन, भूमि और वाहन की प्राप्ति के लिए आपको नीलम अवश्य धारण करना चाहिए। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं तो आपको तो नीलम खांड की रोटी के जैसा समझना चाहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी हैं आपके, तो आपको भी नीलम कैरियर में अच्छी खासी सपोर्ट करेंगे। साथियों, श्रीलंका का नीलम ही सबसे बढ़िया इस वर्ल्ड में आता है।
जो नीलम आप ख़रीदें वह नो ट्रीटमेंट होना चाहिए, वेरीफाई ऑफ कोरोंडम होना चाहिए। रही बात वजन की, यदि आपका वजन 40 किलो है तो 4 पक्की रत्ती का नीलम आप पहनिए। 200 मिलीग्राम का कैरेट होता है, 180 मिलीग्राम की पक्की रत्ती होती है और 120 मिलीग्राम की कच्ची रत्ती, कहीं कहीं पर उस बात को मानते हैं। तो पक्की रत्ती में 50 किलो में 5 रत्ती, 60 किलो में 6 रत्ती, आपका वजन 80 किलो है तो 8 रत्ती का नीलम आपको पहनना चाहिए। साथियों, नीलम रत्न को अष्ट धातु की या सोने की या चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक शनि की होरा में ओम सम शनिश्चरायै नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नीलम रत्न धारण करना चाहिए। साथियों, नीलम रत्न धारण करने के उपरांत अगर नीलम आपको सूट नहीं है तो पहले 24 घंटे में आपकी आंखों में दर्द के जैसा आपको फील होगा। पहले 24 घंटे में आपको चक्कर के जैसे आएंगे, घिन्नी बन जाएगी आपके दिमाग की, चक्कर घिन्नी बन जाएगी, चक्कर आपको आया रहेगा और उल्टी दस्त, बहुत ही डिजास्टर प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई पड़ेंगे, ड्रीम आपको दिखाई पड़ेंगे, जिस प्रकार से बिजली का कड़कड़ाना, सांप का आ जाना सपने में, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, इस प्रकार के स्वप्न आपको, अगर इन तीनों में से कोई भी लक्षण हो तो आपको नीलम तत्काल निकाल देना चाहिए। अगर नीलम धारण करने के 2-3 दिन बाद तक आपको कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होती तो आप नीलम लंबे समय तक पहन सकते हैं। आपका नीलम ट्रांसपेरेंस अवश्य होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, उसमें स्क्रैच नहीं होना चाहिए। साथियों, यदि इतनी शर्तों को फॉलो करते हुए आप नीलम पहनते हैं तो निश्चित रूप से 1 साल में आपके जीवन के अनुभव बिल्कुल अलग होंगे। आपका जीवन बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा और आपका भाग्य रत्न कोई भी है नीलम से अलग भी, आप उसको जन्म पत्रिका हस्तरेखा दिखाकर पहनेंगे तो निश्चित रूप से वह आपको सपोर्ट करेगा। मैं कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ।